जब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने तीसरे मुहर खोला, तभी तीसरे प्राणी यूहन्ना को कहा, आ। जब यूहन्ना ने दृष्टि उठाई तो देखा एक काला घोड़ा है, उस पर बैठे सवार के हाथ में एक तराजू दिया हुआ था। तभी यूहन्ना ने उन चारों प्राणियों के बीच से एक शब्द सा आते सुना जो कह रहा था कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का तीन सेर जव और तेल और दाख रस की हानि न करना। आइए इसका मतलब समझते हैं। काला रंग उदासी का संकेत देता है। तीसरे मुहर खुलने के बाद सभी करेंसी यानी डॉलर, रुपया, यूरो, दीनार सब बंद हो जाएगा। दीनार का मतलब है एक दिन की मजदूरी। एक सेर का मतलब लगभग एक किलोग्राम होता है। इसका मतलब है एक दिन की मजदूरी के बदले एक किलोग्राम गेहूं और एक दिन की मजदूरी के बदले तीन किलोग्राम जौ मिलेगा। जो कोई भी एक दिन काम करेगा, चाहे वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मजदूर आदि हो, उन्हें अपनी मजदूरी के लिए कोई करेंसी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें एक दिन की मजदूरी के बदले एक किलोग्राम गेहूं और एक दिन की मजदूरी के बदले तीन किलोग्राम जौ मिलेगा। उसके बाद सारी दुनिया में भयंकर अकाल पड़ेगा। इस भीषण अकाल के कारण बहुत से लोग मरने वाले हैं।